हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज से हम टेंसेस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि टेंसेस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी तरह से फिर प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट के चार भाग और इसी तरह से फ्यूचर के चार भाग। तो हम इन तीनों टेंस के चारों चारों भाग अलग अलग वीडियोज में करेंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। देखें स्टूडेंट्स, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ते हो, ती हैं, ता हैं इत्यादि रहें, तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी पहचान है ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ते हैं, ते हो, ती हैं, ता हैं। तो जब भी इस तरह की बात आती है तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का मूल रूप दें। यानी क्रिया की जो, जैसे मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या है, क्रिया का मूल रूप। लेकिन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर में रहे तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ दें। यानी सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन में है तो आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देंगे। जैसे आप देखें यहाँ पर आई वी यू दे से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है और प्लूरल नाउन से स्टार्ट होता है तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आप आगे देखें ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन से यदि वाक्य की शुरुआत होती है तो हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब भी प्रोनाउन आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से वाक्य शुरुआत हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन से वाक्य की शुरुआत हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। ये स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में, ये जो रूल है ये आपका अप्लाई होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस ई आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई आई एस लगता है। इसी रूल को आप फॉलो करेंगे यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लेट्स सी द एग्जांपल्स। माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है। ता है आ गया है तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए कि माय ब्रदर जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद प्लेज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस लगा हुआ है और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। अब सवाल उठता है कि हमने यहाँ पर प्लेज क्यों किया, प्ले क्यों नहीं किया। तो स्टूडेंट्स जो ये माई ब्रदर है ये आपका सिंगुलर नाउन है। जब भी सिंगुलर नाउन की बात हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस सी आई एस लगता है, इसलिए यहाँ पर हमने प्ले के साथ एस लगा दिया। अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस, दे ड्रिंक मिल्क, वे दूध पीते हैं। ते हैं, ते हैं की बात आ गई, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। अब आप पूछेंगे यहाँ पर आपने ड्रिंक क्यों लगाया, तो स्टूडेंट्स आपको रूल मैं बार बार बता रहा हूँ कि आई, वी, यू, दे के साथ और प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो दे मैंने लिखवा रखा है आपको, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ड्रिंक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमने किए एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फिर वही सवाल पैदा होता है कि डू कब लगता है,
और डच कब लगता है? तो स्टूडेंट्स वही बात, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ लगेगा डू और ही शी इट्स तथा सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा डज। देखिए पहला सेंटेंस, आई डू नॉट टेल ए लाई। आई से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमने डू लगा दिया, उसके बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है तो हमने नॉट लगा दिया, फिर टेल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। अगला सेंटेंस, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल नहीं जाता। अब ही जो है आपको पता है ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, उसके साथ में जैसे मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ही लगता है, यहाँ पर ही के साथ डज लगेगा, फिर वही नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है कि यहाँ पर स्कूल, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। तो ये दोनों सेंटेंसेस हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के देखे, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, प्रश्नवाचक वाक्यों को। स्टूडेंट्स एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हमने किए थे उनको कहते हैं सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस जो हमने किए हैं उनको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज से, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सेंटेंसेस देखते हैं, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या आप रोजाना अखबार पढ़ते हो, प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि यहाँ पर यू है, मैंने आपको बता रखा है कि यू के साथ डू लगेगा, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखें सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट आपका यू, फिर रीड जो है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और न्यूज़पेपर फिर आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यहाँ पर डेली। डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखें, डज शी टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या वह नियमित रूप से व्यायाम करती है, प्रश्नवाचक वाक्य है, स्टार्टिंग में डज है जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में लिखवा रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आरंभ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज से होता है, तो डज से यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट शी है, टेक आपकी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्सरसाइज आपका ऑब्जेक्ट है और रेगुलरली यहाँ पर अदर वर्ड्स में आ गया, तो डज शी टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या वह रोजाना व्यायाम करती है। मेन आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को, यानी वो सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव भी हों, यानी उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता हो और वो नेगेटिव भी हों, यानी उन वाक्यों में नॉट का प्रयोग भी होता हो। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो स्टूडेंट्स हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए थे, सेम स्ट्रक्चर है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, यही आपको ध्यान रखना है, बाकी रूल सारे वही हैं कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ जो है डू लगेगा, ही शी इट द सिंगुलर नाउन के साथ में डज लगेगा, वही डू डज जो है सेंटेंस के शुरू में आएंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही देख लेते हैं हम, पहला सेंटेंस, डू यू नॉट अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, क्या तुम क्लासेस को नियमित रूप से अटेंड नहीं करते। जैसे मैंने स्ट्रक्चर में लिखवा रखा है कि डू डच पहले आएंगे तो यहाँ पे डू आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट यू है इसलिए डू का प्रयोग हुआ है, उसके बाद आप नॉट देख रहे हैं, फिर अटेंड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्लासेस आपका ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस आपका था, डू यू नॉट अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, क्या आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड नहीं करते, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, डज शी नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्या वह सच नहीं बोलती। अब यहाँ पर डू क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्जेक्ट शी है, शी के साथ डू नहीं लगता, डज लगता है, तो
तो डच की सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और फिर शी है, फिर नॉट है, फिर स्पीक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद द ट्रुथ आपका ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टूडेंट्स आप सेंटेंसेस को देखें, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी। अब तक स्टूडेंट्स हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, जैसे देखा सबसे पहले हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस को कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा था, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा था, उसके बाद हमने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा था, फिर हमने देखा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने पूरे स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया है, चार टाइप के हमने सेंटेंसेस किए हैं। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सारा स्ट्रक्चर हमें पता लग गया है स्टूडेंट्स, कब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, कब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस लगाना है, कब डू का प्रयोग करना है, कब डज का प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो सबसे पहला रूल है टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस, स्थायी कार्यों को व्यक्त करने के लिए। जब भी परमानेंट एक्शंस की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब परमानेंट एक्शंस हमें कैसा पता लगेगा, वो आप सेंटेंसेस में देखेंगे। इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 15th of August, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है। सभी को पता है कि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अब पेपर में आपके सेंटेंस आ जाए इंडिपेंडेंस डे डैश ऑन 15th of August और ब्रैकेट में आपको दे रखा हो फॉल, तो आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। इंडिपेंडेंस डे क्योंकि यहाँ पर हम इसे सिंगुलर लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस सी आई एस लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 15th of August, ये परमानेंट एक्शन है कि हर साल 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे आना होता है। अगला सेंटेंस, आई डैश इन मुंबई, पेपर में अगर आपके सेंटेंस आता है आई डैश इन मुंबई और ब्रैकेट में आपको लीव दे रखा है, तो आप लीव का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि आई के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आई लीव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, ये भी आपका परमानेंट एक्शन है। तो जो हमने परमानेंट एक्शन के जो एग्जाम्पल्स देखे हैं उनसे हमें क्लियर आइडिया हो जाता है कि ये स्थायी कार्य हैं, कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही आना है और मैं मुंबई में ही रहता हूँ। अगला देखें सेकंड रूल, टू एक्सप्रेस रूटीन्ड एक्शंस, रूटीन में होने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए, नियमित होने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए। देखें सेंटेंसेस, आई डैश टू ऑफिस एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे दफ्तर जाता हूँ। वॉट इज़ दिस, दिस इज रूटीन्ड एक्शन कि मैं रोजाना ऑफिस 9 बजे जाता हूँ। अब मान लो सेंटेंस आ जाए पेपर में आई डैश टू ऑफिस एट 9 AM, ब्रैकेट में गो हो तो आप गो ही लगाएंगे क्योंकि गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। आई गो टू ऑफिस एट 9 AM, मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, आई के साथ स्टूडेंट्स गो लगेगा। ही कम्प्लीट्स हिज होमवर्क इन द इवनिंग, वह शाम को अपना होमवर्क पूरा करता है। तो अब आप देखेंगे कि कम्प्लीट्स क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस लगता है, तो कम्प्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने एस लगा दिया तो बन गया कम्प्लीट्स। ही कम्प्लीट्स हिज होमवर्क इन द इवनिंग, वह शाम को अपना कार्य समाप्त करता है, अपना गृह कार्य समाप्त करता है, तो ये भी रूटीन एक्शन है, नियमित होने वाला कार्य है। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि नियमित होने वाले कार्यों का जिक्र किया गया है और जब भी नियमित होने वाले कार्यों का जिक्र हो तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड रूल, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, आदतन होने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए, यानी वो एक्शंस जो होते रहते हैं, जो आदतन होते रहते हैं, जो हैबिचुअल हैं, उनका जिक्र करने के लिए। जब भी हैबिचुअल एक्शंस की बात आए तो वहाँ पर हमें जो है कुछ वर्ड्स मिलेंगे और वो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के। इस प्रकार के वाक्यों में
जिन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है वो हैं, स्टूडेंट्स देखें एक बार उनको, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, रेयरली, नॉर्मली, एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स मैंने अभी आपको बोले हैं इनको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस से पहले मिलेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर बात हो रही है हैबिचुअल एक्शन की। देखे सेंटेंस, ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है। तो उसकी आदत क्या है यहाँ पर लेट आने की, क्योंकि सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दिया। तो कम के बाद हमने यहाँ पर एस लगाया है तो वो हो गया कम्स, क्योंकि ही के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है, यहाँ पर कम के बाद एस लगेगा। तो ही ऑलवेज कम्स लेट। दे रेयरली टेल ए लाई, वे बहुत कम झूठ बोलते हैं। वे रेयरली, वे मुश्किल से कोई झूठ बोलते हैं, यानी वे झूठ ना के बराबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, क्योंकि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दे से, और दे के बाद जैसे मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो टेल यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद अगला सेंटेंस, ही समटाइम्स गोज फॉर ए वॉक, वह कभी कभी सैर को जाता है। ही से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ही के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो हमने यहाँ पर गो के बाद लगा दिया ई एस, बन गया गोज। तो ही समटाइम्स गोज फॉर ए वॉक। तो ये स्टूडेंट्स तीनों ही सेंटेंस हमने देखे, ही ऑलवेज कम्स लेट, दे रेयरली टेल ए लाई, ही समटाइम्स गोज फॉर ए वॉक। तीनों सेंटेंसेस में हैबिचुअल एक्शन है और हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। फोर्थ रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ऑब्लिक जनरल ट्रुथ, चिरंतन सत्य ऑब्लिक सामान्य सत्य को व्यक्त करने के लिए, यानी जिन सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जनरल ट्रुथ हो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, सेंटेंसेस देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में निकलता है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे। तो देखें, द सन क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस लगेगा, तो राइज के साथ एस लगा देंगे तो हो जाएगा राइजेस। इसी तरह से द अर्थ, ये भी सिंगुलर नाउन, यहाँ पर रिवॉल्व के साथ हम एस लगा देंगे तो हो जाएगा रिवॉल्व, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस लगता है। तो दोनों ही सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एक में राइजेस है, एक में रिवॉल्व है, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर हमने एस लगाया है, क्योंकि जैसे मैं बार बार बताता हूँ यहाँ पर कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस का यूज होता है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है पूर्व में निकलता है। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन दोनों सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रुथ ऑब्लिक जनरल ट्रुथ है। टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस ऑब्लिक प्रोग्राम्स, ये स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि भविष्य में होने वाले योजनाबद्ध कार्यों ऑब्लिक कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए, कि कोई एक्शन हमारा निकट भविष्य में होना है और हमारा वो प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड प्रोग्राम है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए हम सेंटेंसेस को देखते हैं, बात आपको फिर क्लियर हो जाएगी। I dash for Chennai tomorrow. मैंने वर्ड अंडरलाइन कर रखा है लीव, लीव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। I leave for Chennai tomorrow. मैं कल चेन्नई के लिए रवाना होता हूँ, यानी मुझे कल चेन्नई के लिए रवाना होना है। ये आपका निकट भविष्य का योजनाबद्ध कार्यक्रम है। तो योजनाबद्ध कार्यक्रम के लिए जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस आपका आई से स्टार्ट हो रहा है तो आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो लीव आपकी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई लीव फॉर चेन्नई टुमारो, मैं कल चेन्नई के लिए रवाना होता हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश मैरिड नेक्स्ट मंथ, मैंने अंडरलाइन कर रखा है वर्ड गेट्स। ही गेट्स मैरिड नेक्स्ट मंथ, उसकी अगले महीने शादी होती है। ये भी एक प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है कि उसके अगले महीने शादी होने वाली है,
तो यहाँ पर ही से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ही के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हो गई गेट, गेट के साथ हमने लगा दिया एस, हो गया गेट्स। तो ही के साथ बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस लगता है। अगर आपको पेपर में सेंटेंस आता है ही डैश मैरिड नेक्स्ट मंथ और ब्रैकेट में दे रखा हो गेट, तो आप करेंगे गेट्स। तो ही गेट्स मैरिड नेक्स्ट मंथ, उसके अगले महीने शादी होने वाली है, ये भी आपका निकट भविष्य का कार्यक्रम है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपने देखा प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस या प्रोग्राम्स की बात हो रही है। नाउ सी रूल नंबर 6, टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑब्लिक फैक्ट्स, ऐतिहासिक घटनाओं ऑब्लिक तथ्यों को व्यक्त करने के लिए। कोई भी ऐतिहासिक घटना जो हुई है पास्ट में, कोई तथ्य है उसको व्यक्त करना है, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब आप देखें कि आपको सबको पता है कि भाई पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तो उस पानीपत की लड़ाई जो वो भी एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से किस प्रकार व्यक्त करते हैं वो देखें। नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस, अब बैटल ऑफ पानीपत की शुरुआत होती है। जैसे सभी को पता है कि 1526, 1556 और 1761 में 3 पानीपत की लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन हमने उस ऐतिहासिक घटना का जो जिक्र है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस तरीके से किया, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस, अब शुरुआत होती है बैटल ऑफ पानीपत की। तो बिगिंस लगा दिया, बिगिंस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पर हमने एस लगाया, तो बैटल ऑफ पानीपत को हमने माना सिंगुलर, उसके साथ लगाया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। तो आपको पता है सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बिगिंस। अगला देखें, पंडित नेहरू डाइज इन 1964, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी, लेकिन हम उसको व्यक्त इस तरीके से करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है 1964 में। तो यहाँ पर पंडित नेहरू जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो डाई के साथ हम लगा देंगे एस, वो हो जाएगा डाइज, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है 1964 में। दोनों हिस्टोरिकल इवेंट्स को हमने जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से व्यक्त किया है। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7, टू एक्सप्रेस कोटेशंस, कथनों को व्यक्त करने के लिए। जब भी हम किसी कथनों को व्यक्त करते हैं, किसी के द्वारा कहे गए कथनों को, और वो व्यक्त करते हैं हम इन्वर्टेड कॉमाज में, तो आप देखें यहाँ पर कि पी बी शैले कहते हैं, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यदि विंटर आता है तो क्या स्प्रिंग पीछे रह सकता है। ये जो कथन है वो है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कहा है पी बी शैले ने। तो जो कहना जो है यहाँ पर उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करेंगे सेज। पी बी शैले के साथ हमने लगाया सेज, यानी से के बाद लगाया एस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। तो जब भी कोई कथन होते हैं तो वहाँ पर हम सेज लगा देते हैं और वो सेज बन जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला देखें, जॉन किट्स सेज, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। जॉन किट्स कहते हैं कि ब्यूटी देखने के लिए है न कि टच करने के लिए। तो जॉन किट्स का कथन है, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच, और उनका जो कहना है कि जॉन किट्स का कहना है, जॉन किट्स का कथन है, तो वो भी हम सेज यहाँ पर किया हुआ है पिछले सेंटेंस की तरह, से के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है हमने, तो सेज हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों सेंटेंसेस में आप सेज देख रहे हैं। जब भी हम कोटेशन की बात करते हैं, किसी के कथनों को व्यक्त करते हैं, तो हम लगाते हैं सेज, और ये सेज जो हैं दोनों सेंटेंसेस में यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। 8th रूल देखते हैं स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस कॉमेंट्री ऑब्लिक सीरीज ऑफ इवेंट्स। हमें अगर कोई कॉमेंट्री को व्यक्त करना है या कोई घटनाओं के क्रम को व्यक्त करना है, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे देखें कि कोहली बैग्स 6 रन्स मोर, कोहली बैग्स 6 रन्स मोर, कोहली 6 रन और जुटाते हैं। तो यहाँ पर जो बैग्स है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगा रखा है।
क्योंकि कोहली जो है वो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस का प्रयोग करना होता है, लेकिन बैग के साथ हम सिर्फ एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगेगा। तो अगला सेंटेंस देखें, स्टुअर्ट ब्रॉड बैग्स 8 विकेट्स इन दिस मैच। स्टुअर्ट ब्रॉड इस मैच में 8 विकेट बटोरते हैं, 8 विकेट लेते हैं, वही बैग्स जैसे हमने पिछले सेंटेंस में यूज किया था, बैग के साथ हमने एस लगा दिया। आपको पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस सी आई एस लगता है, तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में बैग था और उसके साथ हमने एस लगाया। आपको पता है कि जो विराट कोहली हैं वो इंडियन टीम के कैप्टन हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो इंग्लिश टीम के फास्ट बॉलर हैं, तो दोनों ही जो ये सेंटेंसेस हैं ये एक किस्म से कमेंट्री के सेंस में हैं, और जब भी कमेंट्री का जिक्र किया जाए तो कमेंट्री को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अगला देखें, रूल नंबर 9, टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आप इंग्लिश के अखबार में न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखते होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, उनकी जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। अखबार की सुर्खियों को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्रिकेट मैच ड्रॉज, मान लो किसी का कोई क्रिकेट मैच चल रहा था और वो ड्रॉ हो गया, तो हम हेडलाइंस क्या बनाएंगे? सपोज करो इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच था और वो ड्रॉ हो गया, तो हेडलाइंस हमने सिर्फ इतनी बनाई कि क्रिकेट मैच ड्रॉज, फिर उसमें न्यूज़ में डिटेल में हम लिख सकते हैं कि किस किस का मैच था, उसका जो नतीजा नहीं निकला। अगला देखें, थीफ एस्केप, चोर भाग निकला, तो ये इसका भी हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेडलाइन बना दी कि चोर बचकर निकल गया। तो क्रिकेट मैच ड्रॉज, थीफ एस्केप, ये सारी हमारी न्यूज़पेपर हेडलाइंस हैं। कोई पीस टॉक चल रही थी वो फेल हो गई, तो हम कह सकते हैं पीस टॉक फेल्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं वो न्यूज़पेपर हेडलाइंस का काम करते हैं, और इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ड्रॉज यहाँ भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, एस्केप्स में भी आपका जो है एस वर्ड यूज कर रखा है हमने एस्केप के बाद में, तो दोनों ही जो है आपके सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। रूल नंबर 10, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, रूल नंबर 10, टू एक्सप्रेस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम एंड कंडीशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ टिल और व्हेन इन अ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में इफ टिल व्हेन से शुरू होने वाले क्लॉज में, तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स उसमें जो है आपको इफ टिल और व्हेन मिले तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। आइए देखें हम सेंटेंसेस, आई शैल स्टे हियर टिल यू कम बैक, मैं यहां पर ठहरूंगा जब तक तुम वापस नहीं आते। तो आप देखें टिल यहाँ पर मिला हुआ है और टिल के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या लगाया, कम, क्योंकि यू के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आई शैल स्टे हियर टिल यू कम बैक, ये कंडीशन है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा जब तक तुम वापस नहीं आते। कंडीशन क्या है? तुम्हारे वापस आने की। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ टिल और व्हेन इस भाग में जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस देखें, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यदि तुम मुझे रक्त दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप देखें इफ है यहाँ पर, कंडीशनल सेंटेंस है, उसके बाद हमने लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आपने देखा कि इन कंडीशनल सेंटेंसेस में जो टिल के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कम था, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गिव है, और दूसरे भाग में यूज होता है स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे जब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कराएंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि पहले सेंटेंसेस में जो शैल स्टे था वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, और यहाँ पर जो है विल गिव ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। यानी आप देखेंगे इस कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी हुआ है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ टिल व्हेन से शुरू होने वाले क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। लेट्स सी रूल नंबर 11, टू एक्सप्रेस पोजेशन ऑब्लिक ओनरशिप, अधिकार ऑब्लिक स्वामित्व को व्यक्त करने के लिए
यानी किसी चीज़ पर अधिकार है, स्वामित्व है, उसकी भी हम बात करनी हो तो वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही होल्ड्स ए पावरफुल पोस्ट, उसके वो एक शक्तिशाली पद पर है, यानी उसके पास जो पद है वो शक्तिशाली है, और पद पर होने को कहते हैं होल्ड्स, तो ही होल्ड्स। अब यहाँ पर मान लो आई होता तो आई होल्ड हो जाता, यहाँ पर वी होता तो वी होल्ड हो जाता, यहाँ पर दे होता तो दे होल्ड हो जाता, लेकिन क्योंकि सिंगुलर यहाँ पर है, ही जो है वो आपका सिंगुलर है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, तो होल्ड के साथ क्या लगाया, एस। ही होल्ड्स ए पावरफुल पोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सी बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली, उसका संबंध एक धनाढ्य परिवार से है, एक रिच फैमिली से है, तो वेल टू डू फैमिली होती है रिच फैमिली, तो शी बिलोंग्स का मतलब उस संबंध होना। शी के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई आई एस, तो बिलोंग के साथ हमने लगा दिया एस। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में अगर आप देखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग तो हुआ ही हुआ है, साथ में पोजेशन और ओनरशिप की बात भी है, पहले में पावरफुल पोस्ट का होना और दूसरा अच्छे परिवार से रिच फैमिली से संबंध होना, पोजेशन होना, ओनरशिप होना। तो पहले में होल्ड्स और दूसरे में बिलोंग्स, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण हैं। 12th रूल देखें स्टूडेंट्स, टू बिगिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, निर्देशात्मक वाक्यों को शुरू करने के लिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आरंभ करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये आपको पता है स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि हमेशा सच बोलो, तो यहाँ पर स्पीक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका प्रयोग होता है। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, नेवर टेल ए लाई, ये जो सेंटेंसेस हैं ये दोनों ही जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण हैं और साथ साथ में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी हैं। तो इनमें जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो है एडवाइस होती है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर की बात की, उसके बाद हमने उसके 12 रूल्स किए। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया होगा। यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।